अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल की. एडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. सो अगर हम फॉसिल फ्यूल की एडवांटेज की बात करें तो फॉसिल फ्यूल की काफी सारी एडवांटेजेस हैं, बट जो मेन एडवांटेजेस हैं वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट करके रखी है. सो पहली एडवांटेज है दैट द फॉसिल फ्यूल कंसिस्ट ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स. जो फॉसिल फ्यूल है वो बेसिकली कंटेन करता है अपने आप में एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स. जिन मॉलिक्यूल्स को जब हम बर्न करते हैं या जब इस इनका कंबस्शन होता है तो दे विल प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अगर हम अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी से कंपेयर करें तो फॉसिल फ्यूल के बर्न होने पे एक ट्रिमेंडसली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमको एक इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. दैट जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास और वॉल्यूम. सो ये हुई पहली बिग एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ फॉसिल फ्यूल. अगर हम दूसरी एडवांटेज की बात करें दैट फॉसिल फ्यूल आर इजिली एक्सेसिबल एट मैनी प्लेसेज ऑन अर्थ. एट सच प्लेसेज वी आर एबल टू, यू कैन से, कलेक्ट देम विद अ ग्रेट एफिशियंसी. अब जो फॉसिल फ्यूल है ये हमारे अर्थ पर काफी जगह पे प्रेजेंट है इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी. जहां पे भी अगर हम फॉसिल फ्यूल का एक्सट्रैक्शन करते हैं वहां पे जो फॉसिल फ्यूल प्रेजेंट होता है वो छोटे अमाउंट में नहीं, एक ट्रिमेंडस लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है. सो ऐसी अर्थ पे काफी सारी जगह है जहां पे हम फॉसिल फ्यूल अभी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके, और वो भी एक वेरी लार्ज रेट पर. सो इट इज इजिली एक्सेसिबल एट मैनी प्लेसेस, काफी जगहों पे इजिली एक्सेसिबल है, ओके, एंड वी कैन कलेक्ट देम विद ग्रेट एफिशिएंसी, ओके. सो जो हम इन जो भी हम अपनी कॉस्टिंग लगाते हैं इसको एक्सट्रैक्ट करके, प्लस यू कैन से एक्सट्रैक्ट करके इसको फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो भी इसको प्रोसेस करने में जो हमारी कॉस्टिंग आती है वो भी हम इजिली रिकवर कर लेते हैं बिकॉज इट इज अ वेरी गुड फ्यूल. थर्ड बट नॉट द लास्ट, एनर्जी प्रोड्यूस बाय फॉसिल फ्यूल कैन सर्व अ वेराइटी ऑफ पर्पसेस, फ्रॉम हीटिंग होम्स टू पावरिंग ऑटोमोबाइल्स. जो फॉसिल फ्यूल है ये बेसिकली हम, ये जो फॉसिल फ्यूल हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है ये एक पर्पस को सॉल्व नहीं करता है, ये हमारे काफी पर्पसेस को सॉल्व करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोल की बात करें तो जो कोल है दैट हेल्प इन बर्निंग, ओके, इन बर्निंग एंड रनिंग वेरियस अप्लायंसेस, ओके, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम फ्यूल की बात करें तो फ्यूल हेल्प इन रनिंग द ऑटोमोबाइल. सो एक पर्टिकुलर यूज नहीं है फॉसिल फ्यूल का, देयर आर वेराइटी ऑफ यूज फॉर यूजिंग द बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस फॉसिल फ्यूल, ओके. सो फॉसिल फ्यूल हैव मैनी यूजेस. सो दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ फॉसिल फ्यूल. अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल यूज करने की क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती है हमें. जो फर्स्ट द मेजर डिसएडवांटेज है ऑफ यूजिंग अ फॉसिल फ्यूल इज दैट द फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ये तो हमें पता ही है कि जो फॉसिल फ्यूल है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको प्रोड्यूस होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं. इफ वी कंटिन्यू टू कंज्यूम दिस सोर्सेज एट अलार्मिंग रेट, ये टर्म अलार्मिंग रेट, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, वी वुड सून रन आउट ऑफ द एनर्जी. फॉसिल फ्यूल है वो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम एक अलार्मिंग रेट, मतलब एक बहुत लार्ज अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं एट अ स्टडी रेट जो कि ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है. तो जो फॉसिल फ्यूल है वो एक लिमिटेड फ्यूल है. एट द एंड अगर कुछ टाइम बाद इन आर कमिंग ईयर्स अगर वो वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, देन वी आर टू मच डिपेंडेंट ऑन दिस फ्यूल, क्योंकि हम इसको काफी लार्ज अमाउंट में यूज कर रहे हैं. इफ वी कंटिन्यू टू यूज इट, अगर हम इसी रेट पे उसे यूज करते रहेंगे तो वो एक दिन जल्दी ही खत्म हो जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ फॉसिल फ्यूल. सेकेंड डिसएडवांटेज है
देयर इज नो सच ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी डेवलप टिल टूडे विच कैन रिप्लेस फॉसिल फ्यूल. Thus, large dependency on fossil fuel for most of our energy requirement may create problem in future. आज हम fossil fuel पे एक dependent है एक very large amount में. यानी large amount में मतलब you can say कि हम fossil fuel पे काफी dependent है for our daily purposes. For example, running automobile से लेके production of electricity and many more. There are lot of things जिसमें हम fossil fuel का major use कर रहे हैं. अगर हम इसी तरीके से fossil fuel का इसी rate पे अगर major use करते रहे तो एक दिन जैसे कि मैंने अभी point number one में बताया it will got vanished, ये खत्म हो जाएगा and we don't have any alternative source of energy जो कि fossil fuel की कमी को पूरा कर सके. Okay, so that's why we have to utilize this fuel in an efficient way. एक efficient way में हमको utilize करना चाहिए fossil fuel को. That's the second disadvantage. The third disadvantage is fossil fuel causes or you can say contribute to environmental problems. जो fossil fuel है वो basically environmental problems भी create करता है. कैसे? First of all, you can say damage of landscape. लैंडस्केप डैमेज हो जाता है जहां पे अगर आप लोगों ने देखा हो जहां से हम फॉसिल फ्यूल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो जो उसके आसपास का एरिया होता है जो सराउंडिंग होता है वो भी कंप्लीटली डैमेज हो जाता है. ओके, बिकॉज डिगिंग इनटू द अर्थ सरफेस एंड एक्सट्रैक्टिंग द ऑयल, अर्थ के सरफेस में डिग करके ऑयल एक्सट्रैक्ट करने में जो आसपास के भी सराउंडिंग है जितने भी प्लांट्स हैं जितने भी हैबिटेशन है वो कंप्लीटली वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है. ओके, बिकॉज टॉक्सिक केमिकल्स आर रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. एक टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल जो कि आसपास के हैबिटेट को काफी इफेक्ट करते हैं. सो इन दिस वे इट विल कॉज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. इसके अलावा जब फॉसिल फ्यूल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जब उसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो हम एक तरीके से फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं. ओके, एट अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. तो जो बर्निंग में जो कि स्मोक प्रोड्यूस होता है दैट विल कॉज एयर पॉल्यूशन. ओके, इसी तरीके से काफी चीजें हैं जिसमें फॉसिल फ्यूल डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशन को सपोर्ट करता है. दैट्स व्हाई इट इज हैजार्डियस फॉर द एनवायरमेंट. सो ये है डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ फॉसिल फ्यूल एज अ सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ओके.